नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करने निगम प्रशासन ने एक बार फिर अभियान की शुरुआत की है। इसके पूर्व सर्विस रोड को कब्जा मुक्त कराने निगम द्वारा चलाया गया अभियान असफल साबित हो चुका है। वहीं इस बार कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि सर्विस रोड में अब किसी भी सूरत में कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। निगम अधिकारियों कर्मचारियों की टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगी। शहर के प्रमुख बाजारों और नेशनल हाईवे से लगी जगहों को कब्जा मुक्त करने नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीते रविवार को सुपेला लक्ष्मी मार्केट संडे मार्केट में कार्रवाई की गई थी। आज स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नजर आती है। वाहनों की आवाजाही बेहद सुगम और सुरक्षित और सरल आसान हो गई है। अब इसी तरह अभी हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका निगम भिलाई के अपर आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में जो सर्विस रोड में वो अवैध जो दो पहिया चौपहिया के जो पुरानी गाड़ियों के खरीदी बिक्री के ऑटो वाले संचालक उनके द्वारा रास्ते को बाधित करके अपनी वाहनों को खड़ा किया जाता है, तो उन्हें हिदायत दी गई थी अपर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में उनके साथ बैठक भी हुई थी ऑटो वाले संचालकों की, लेकिन उसका असर नहीं मिला। तो आज कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं किस तरह की कार्रवाई है और बार बार ये स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए निगम द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाएगा। सर, सबसे पहला सवाल एक आपसे ये क्योंकि ये अव्यवस्था का काफ़ी लंबे वक्त से बनी हुई थी, तो नेहरू नगर चौक से लेकर के डबरा 12 चौक तक आज अभियान की शुरुआत की गई है। सर, इसके पहले इन्हें नोटिस दिया गया था क्या सर डबरा खाली करने को लेकर? नोटिस क्या, इनको तो सबको व्यक्तिगत बुलाया भी था, जिसने भी इनके इस तरीके के लोग हैं उनकी एक बैठक भी लिया था। मुझे उनको बताया था कि देखिए हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान ले लिया है, हमको फुटपाथ सर्विस रोड ये सब खाली करना और इसमें किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये जो ऑटो डील का या किसी एक तरह का और अन्य व्यवसाय कर रहे हैं आप उसके लिए उचित स्थान दीजिए, क्योंकि ये सर्विस रोड में आपके लिए वो प्रतिबंधित है और ऐसा आप स्वयं आप हटा लें तो ज़्यादा अच्छा है, और यदि नहीं हटाएंगे तो कार्रवाई करनी होगी। आज उसमें से बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और खुद हटा भी लिया है। अभी शुरुआत हम लोगों ने दक्षिण में नोटिस की है और ये आगे लगातार चलेगा, कल भी है और उसके बाद फिर ये चुनाव के मतगणना के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे। ये कंटिन्यू चलना है, कोशिश करना है कि इस तरीके से जितने भी सर्विस रोड में या जो खाली स्पेस है वहाँ पर इस तरीके से जो यातायात को प्रोवाइड करते हो उन पर सब पे कार्रवाई करते हुए उनको सबको अच्छा। सर, क्योंकि ये कार्रवाई काफ़ी सराहनीय, इससे निश्चित रूप से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा, सड़कें खाली रहेगी, सुगम और सुरक्षित आवागमन रहेगा। लेकिन सर, निगम द्वारा इसके पूर्व भी लगातार प्रयास किया जाता रहा, इन गाड़ियों को यहाँ से हटाया जाता रहा, लेकिन सर हफ्ते 10 दिन में सीधे फिर 10 की 10 देखने को मिलती है, तो इस बार सर क्या लेकर? इस बार बैकअप प्लान भी है हमारा। बैकअप प्लान ये है कि यहाँ से हटने के बाद जैसे अभी संडे मार्केट में हमने कार्रवाई की और संडे मार्केट के बाद में पता चला मंडे में कुछ लोगों ने लगा दिया, तो हमारी एक टीम हम उन्हें वहाँ पर निगरानी के लिए भेजा हुआ है कि अगर ऐसा दोबारा जहाँ से हमने हटाया वहाँ पे अगर दोबारा ऐसा कोई करता है तो उसको जुर्माना भारी जुर्माना लगाया जाए और हटाया जाए और कार्रवाई की जाए। और ऐसा लगातार करेगा तो न्यूसेंस कर रहा है तो उसके विरुद्ध में जो वैधानिक कार्रवाई होती है वैधानिक FIR करने की वो तक कार्रवाई करेंगे, वो यहाँ भी ऐसे तरीका अपनाया जाएगा। सर, अभी क्योंकि दक्षिण गंगोत्री में शुरुआत की गई थी, अब किन किन स्थानों तक सर अभियान चलेगा और कहाँ कहाँ से वाहन हैं? ये सभी अभी रोड के इस पार जो है दक्षिण गंगोत्री है, फिर उसके बाद सुपेला तरफ जाएंगे वेंकटेश्वर टाकिस के सामने से जो एक्सिस बैंक वगैरह है जो सर्विस रोड में, उसके बाद आगे तक जाएंगे हम मोरिया टाकिस के पास तक जाएंगे, तीन दर्शन मंदिर के पास तक जाएंगे, फिर उधर आपका पावर हाउस तरफ जाएंगे और ये कुर्सी पार जाएंगे और डबरा 12 चौक तक जाएंगे। जहाँ भी सर्विस रोड है वहाँ पे लोगों ने अगर इस तरीके का कोई किया हुआ है या व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको हटा देंगे। छोटे बड़े सभी जो पहिया वाहन है उनके संचालकों द्वारा उसे स्टैंड में तब्दील कर दिया गया, वो भी ध्यान में है, तो अभी फेस टू फेस करेंगे। अभी हम लोगों ने सर्विस रोड को फोकस में रखा और उसके साथ में फिर मार्केट के साथ में लेंगे और जो आप बता रहे हैं कैनाल रोड, तो उसको भी। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब दोबारा ऐसी स्थिति बनने से रोकने नगर निगम द्वारा जो जिस तरह से जो दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, सर्विस रोड में वाहनों को पार्क करने का किसी भी संचालक द्वारा अगर प्रयास किया जाता है उस पर सख्त की कार्रवाई की जाएगी, लगातार इसके कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी। आज के अभियान में नगर पालिक निगम भिलाई की टीम के साथ यातायात विभाग और सुपेलापुर पुलिस थाने की भी टीम मौजूद है। नगर निगम की कार्रवाई का काफ़ी अच्छा असर भी देखने को मिल रहा है, लोगों में शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार नगर निगम की जो कार्रवाई वो काफ़ी ठोस नज़र आ रही है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी
अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जो निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए नगर निगम द्वारा किया जा रहा है प्रयास सराहनीय है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।